How to lose weight with cycling? Well, so here are few simple tips जिसको अगर आप follow करते हो so I am pretty sure कि आपके overall weight lose की journey में cycling जो है वो काफ़ी अच्छा एक medium बन सकता है. Increase the intensity. What do we mean by that? काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपनी साइकिलिंग को जो अब करते हैं तो वो बहुत ही लीजर वाले पेस में साइकिलिंग करते हैं. लीजर वाले पेस में एज इन कि बहुत मस्ती में आप साइकिलिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी एफर्ट जो है वो फील ही नहीं हो रहा है कि आपके बॉडी में या आपके लेग्स में या आपके हार्ट में या आपके लंग्स में किसी भी तरीके का एफर्ट का जो रिएक्शन है वो आपको मिल रहा है. तो उसको हम लोग कहते हैं लीजर पेस में साइकिलिंग करना. आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा अपने इंटेंसिटी को अप कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए उसको. यानी कि पहले जो आप जितना एफर्ट लगा रहे थे उस एफर्ट को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, दो गुना कर दो या तीन गुना कर दो. सो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? इट इज़ बेसिकली कि जितना फास्ट और जितना हाई इंटेंसिटी में आप राइड करोगे उतना ही ज़्यादा कैलोरीज आपका जो बॉडी है वो बर्न करेगा आपको एनर्जी देने के लिए. एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जब आप साइकिल को राइड करने के लिए जाते हो आपका जो स्पीड आ रहा है नॉर्मल वो 10 से 15 किलोमीटर्स के बीच में आ रहा है. तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप उस 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड में राइड ना करके आप थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ कीजिए, 18 से 20 किलोमीटर की स्पीड में आप लोग राइड कीजिए. इससे क्या होगा, आपका इंटेंसिटी बढ़ गया है, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे. सेम डिस्टेंस में जो आप पहले 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड पर कर रहे थे अगर आप उसको 17 से 20 किलोमीटर की स्पीड पर करोगे कैलोरी है वो ज़्यादा बर्न होगा एंड आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद मिलेगी वेट लूज़ करने में. हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. नाउ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? सो बेसिकली जैसा इसके नाम से आपको पता चलता है ये एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में आपको हाईएस्ट इंटेंसिटी में राइड करना पड़ता है. कैसे? फॉर एन एग्जांपल आप शुरुआत के 20 मिनट पहले वार्म अप करने के लिए नॉर्मल लीजर पेस में आप राइड कीजिए. अगर आपके पास केडेंस सेंसर है तो आप केडेंस सेंसर में ये मेजर कर लीजिए कि आपका जो लीजर वाला राइड है वार्म अप के लिए वो बिटवीन 60-70 आरपीएम्स के बीच में हो. ना वार्म अप होने के बाद जब आपको अपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग स्टार्ट करना है तो आप जितना फास्ट पेडल कर सकते हो उतना फास्ट आप पेडल कीजिए मिनिमम एक मिनट के लिए हाईएस्ट इंटेंसिटी में. यानी कि हाईएस्ट गियर लगा लो और जितना तेज़ आप पेडल कर सकते हो उतना तेज़ पेडल आप एक मिनट तक कंटिन्यूस करते रहो. एक मिनट का टाइम ख़त्म होने के बाद एक से दो मिनट आप दोबारा लीजर पेस में राइड करते रहिए ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन होने में मदद मिल जाए. इसी सेम स्टेप को आपने कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रिपीट करना है. इससे आपके बॉडी को काफ़ी अच्छे तरीके से फैट बर्न करने में हेल्प मिल सकती है. नाउ काफ़ी सारे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने में काफ़ी डर लगता है, उनको ये लगता है कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा. तो आपने खुद को ये चीज़ समझानी है कि यस आप इसको कर सकते हो. तो अगर आप एक नॉर्मली राइड करते हो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में आई वुड रिकमेंड कि आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर. अगर आप जनरली 20 किलोमीटर की राइड करते हो तो उसको बढ़ा के आप 30 से 35 किलोमीटर का राइड कर दो. तो इससे क्या होगा, जितना कैलोरी आप अभी तक 20 किलोमीटर्स के लिए बर्न करते थे अब आप क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जा रहे हो तो आपका जो कैलोरी है वो भी ज़्यादा बर्न होगा और आपको फैट लूज करने में ज़्यादा हेल्प करेगा. नाउ कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है दैट कि हम लोग इतना ज़्यादा राइडिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी जवाब दे जाती है. वेल ट्रस्ट मी, ये सिर्फ टाइम की बात है कि अभी आपको उतना ज़्यादा एफर्ट लग रहा है 20 किलोमीटर करने में, बट एक बार जब आप करना शुरू कर दोगे आपकी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाएगी और 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस भी आपको बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगेगा. इट इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड मेंटालिटी. क्रॉस ट्रेनिंग जो है ये भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है ओवरऑल वेट लूज के जर्नी में विथ साइकिलिंग. सो इसमें आपको क्या करना होता है कि इनिशियल 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आप साइकिलिंग को कीजिए एंड देन नेक्स्ट 20-30 मिनट्स आप किसी दूसरे फॉर्म ऑफ वर्कआउट को कीजिए. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ कि जैसे आपने पहले शुरुआत के 20 से 30 मिनट आपने साइकिलिंग को किया उसके बाद 20 से 30 मिनट आप थोड़े बहुत कोई बॉडी वर्कआउट कर सकते हो. जैसे आप लंजेस कर सकते हो, आप प्लैंक्स कर सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो. सो ये चीज़ आपके ओवरऑल वेलनेस के लिए, आपके ओवरऑल फिटनेस जर्नी को अचीव करने में काफ़ी हेल्प आपकी कर सकती है.
इफ़ यू आर समवन हु इज़ ओनली राइडिंग ऑन रोड, अगर आप सिर्फ रोड पे ही राइडिंग करते हो, आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड कि आप ट्रेल राइडिंग को भी अपने राइडिंग शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करो, बिकॉज रोड पे लगने वाला एफर्ट और ट्रेल्स में लगने वाला एफर्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। रोड पे आप एक कांस्टेंट पेस में नॉर्मल फ्लैट रोड या फिर हल्के फुल्के क्लाइंब पे आप लोग राइड करते हो, वहीं पर जो ट्रेल्स होते हैं ना, ट्रेल्स में कांस्टेंटली जो टेरेन होता है वो चेंज होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी बहुत ज़्यादा रॉकी सेक्शन तो कभी बहुत ज़्यादा स्मूथ सेक्शन, तो इसमें आपका ओवरऑल बैलेंस इंप्रूव होता है, आपका मेंटल अलर्टनेस काफ़ी बढ़ता है ट्रेल्स में। ऑलमोस्ट आई फेल्ट दैट रोड राइडिंग के मुकाबले ट्रेल्स में राइड करने में आपका ऑलमोस्ट ट्वाइस एफर्ट जो है वो लगता है। सो डेफिनेटली अगर आप एक राइडर हो और सिर्फ रोड राइडिंग करते हो, ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट ट्रेल राइडिंग एज वेल। उसके लिए आपको एक MTB आपके पास होनी पड़ेगी। एक MTB अगर आपके पास नहीं है, ले लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेल राइड करने में। बाय द वे, अगर आपको ट्रेल राइडिंग के व्लॉग्स देखने में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्लॉग का चैनल है, उसको आप ज़रूर जाके विजिट कीजिए एंड ट्रेल राइडिंग के व्लॉग्स को ज़रूर एंजॉय कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। वेट लूज के जर्नी में प्रॉपर रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज रेस्टिंग के टाइम पे ही आपका जो पूरा बॉडी है वो रिकवर होता है एंड आपके सारे मसल्स के जो रिपेयर है वो भी होते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मिनिमम 6 से 7 घंटा, यानी कि मिनिमम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मिनिमम 6 to 7 आवर्स आप रेगुलर स्लीप अपने आप को ज़रूर दो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए आपको नेक्स्ट डे में राइड करने के लिए। नाउ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन जो है वो भी आपके ओवरऑल वेलबींग एंड ओवरऑल वेट लूज के जर्नी में काफ़ी हेल्प कर सकता है। न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो, साइकिलिंग इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट, तो आपके मसल टीयर्स होते हैं, आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो न्यूट्रिशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, ताकि आप कॉन्स्टेंटली राइड करते रहो और आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो। एंड वहीं पर जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज साइकिलिंग एक आउटडोर एक्टिविटी है, साथ ही साथ इंडोर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा स्वेटलॉस होता है यहाँ पे, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिएगा। सी यू विद सम मोर वीडियोज़, अंटिल देन बाय बाय।